हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और मैं आप लोगों को 10th क्लास के चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 करा दिया हूँ। अब मैं आज इस क्लास में आप लोगों को मैं बताऊंगा एक्सरसाइज 1.3। तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ बच्चों। ओके, तो देखो बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम है। थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ ले थोड़ा कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, ठीक है, वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर। अगर पी कोई प्राइम नंबर है तो डिवाइड हो जाएगा किससे, ए स्क्वायर, देन पी फिर किससे होगा, ए से भी हो जाएगा। ये हमारा थ्योरम है, ये हमारा थ्योरम इसमें यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में और इस क्वेश्चन में। ओके ओके बच्चों, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √5 इज इरेशनल। तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल ही है, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे प्रूफ करेंगे क्या होगा, यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि क्या ये होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, सपोज करना पड़ेगा। तो लेट सपोज, लेट सपोज दैट √5 इज रेशनल, दैट इज कंट्रारी टू द गिवेन स्टेटमेंट। ओके बच्चों, दैट इज, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज ज्यादा है बच्चों, तो लैंग्वेज से थोड़ा सा भी परेशान मत होना, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज तो होता ही है मैथ्स में। तो दैट इज फाइंड स्टेटमेंट डेट, तो सबसे पहले डेट इज फाइंड इंटीजर्स, कुछ भी मान सकते हो, ए एंड बी। यहाँ पे बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉट जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में जाएगा, ये नीचे जाएगा, बी इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, सच डेट √5 इज इक्वल टू ए बाई बी, हमको ये करना है। ओके बच्चों, अब फिर यहाँ पे बच्चों फिर हम लोग सपोज करेंगे, इसमें सिर्फ सपोज ही करना है, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि क्या है √5, क्या है, इरेशनल नंबर है, फिर भी हमको इसको प्रूफ करके दिखाना है, इसलिए हमको सपोज करना पड़ेगा। फिर सपोज सपोज ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा भी, अदर देन 1, देन डिवाइड बाय द
कॉमन फैक्टर। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत इजी है, थोड़ा सा लैंग्वेज है, आप लोग परेशान मत होइए लैंग्वेज से। थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोग को, लैंग्वेज याद करना पड़ेगा, फैक्टर्स याद भी नहीं करना है, आप लोग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, खुद हो जाएगा। एंड सपोज, फिर सपोज, फिर हम सपोज करेंगे कि क्या है ये, को प्राइम नंबर भी है। एंड सपोज ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ठीक है, ओके बच्चों। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि जैसे कि यहां पे हम लोग लिख दिए सच डेट रूट फाइव इजकल टू ए बाई बी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां से करेंगे हम लोग, यहाँ पे नीचे वन लगा के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी रूट फाइव हो जाएगा बच्चों, ओके बच्चों। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इजकल टू बी रूट फाइव का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर इजकल टू फाइव रूट फाइव का स्क्वायर। जब भी कोई भी रूट नंबर रूट में होता है उसको स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो रूट फाइव का फाइव हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो फाइव, अब बी को जब स्क्वायर करेंगे तो फाइव बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब चलेंगे थ्योरम, थ्योरम जो अभी लिखवाया था, तो बुक में हमारा जो थ्योरम है 1.3 है, तो फ्रॉम थ्योरम 1.3, ओके बच्चों, 1.3 से हमको पता चलता है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल, क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय फाइव, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय फाइव, ओके बच्चों। तो इट फॉलोज, तो फिर क्या हो जाएगा, देन यहां पे मैंने लिखा हूं थ्योरम में, आप लोग देख सकते हैं, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल, ऑल्सो डिविजिबल बाय फाइव, ओके बच्चों। चलो तो बच्चों फिर यहां पे हम लोग मानेंगे कि लेट ए इजकल टू फाइव सी, वेयर सी क्या है, सी इज पॉजिटिव इंटीजर, ओके। अब यहां पे पुट करेंगे फिर तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के जब हम ए का वैल्यू जब 5c पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में है तो 5c का स्क्वायर इजकल टू 5b स्क्वायर, ओके बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5c का स्क्वायर जब करोगे तो क्या हो जाएगा, 25c स्क्वायर इजकल टू 5b स्क्वायर, ओके तो हमारा ये आया है 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर इक्वल टू, जब 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5c स्क्वायर। फिर हम थ्योरम से जाएंगे कि दिस इज या दिस मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल
बाई फाइव देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई फाइव। ओके बच्चों, तो बच्चों मेरा दिस मीन्स बी स्क्वायर इज डिविजिबल थ्योरम से ही, 1.3 थ्योरम से ही ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा डिविजिबल बाई फाइव, देन बी भी क्या हो जाएगा ऑल्सो डिविजिबल बाई फाइव। तो अब क्या हो जाएगा, सो ए एंड बी एंड बी सॉरी ए एंड बी हैव लिस्ट लिस्ट फाइव एज अ कॉमन फैक्टर, एज अ कॉमन फैक्टर, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट ए एंड बी आर को प्राइम। हम लोग क्या बोले थे, सपोज किए थे क्या है, को प्राइम है, को प्राइम। ओके बच्चों, अच्छा को प्राइम के बारे में कौन कौन बच्चा जानता है, मैंने को प्राइम अभी बताया तो नहीं था, को प्राइम कौन कौन बच्चे जानते हैं, कोई जानते हैं? चलिए मैं इस क्वेश्चन के लास्ट में मैं बताऊंगा कि को प्राइम क्या होता है, क्योंकि को प्राइम जानना जरूरी है आप लोगों को। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं सारे क्लियर करूंगा कि को प्राइम होता क्या है। ओके बच्चों, तो चलते हैं हम लोग इससे आगे। अब तो को प्राइम हम वीडियो के अभी क्वेश्चन करा के फिर मैं कराता हूँ। तो यहाँ पे अब हम लोग पहुंच गए हैं कि दिस कंट्राडिक्शन कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ जो हम लोग माने थे आवर सुपोजिशन सुपोजिशन डैट रूट फाइव इज रेशनल। ओके बच्चों, सो वी कंक्लूड सॉरी So we conclude that root 5 is irrational. Okay बच्चों, तो यहाँ पे मैंने प्रूफ करवा दिया है कि root 5 क्या होता है, irrational होता है। यहीं पे आपका आंसर हो गया है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा को प्राइम क्या होता है, तो देखो को प्राइम होता क्या है। सबसे पहले तो को प्राइम जो होता है पेयर में होता है, क्या लेते हैं पेयर नंबर लेते हैं, तो यहां पे टू पेयर नंबर हैविंग पेयर numbers having not a common factor, not a common factor, जो दो नंबर हम लेंगे, दो जब दो इंटीजर नंबर लेंगे उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम पेयर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पेयर नंबर हैविंग नॉट अ कॉमन फैक्टर। जैसे कि यहां पे देखो एग्जांपल देख लो,
टू और थ्री दो पेयर नंबर है। यहाँ पे देखो किस दोनों नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वन को छोड़ के। वन तो सबका फैक्टर होता है, लेकिन और दूसरा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, को प्राइम हो गया। यहीं पे कोई बोले टू और फोर क्या को प्राइम है, तो ये नहीं है। ये क्या है बच्चों, नहीं है, क्योंकि देखो टू अब फोर में भी क्या होता है, टू और फोर दोनों आता है। ओके बच्चों, तो इसलिए को प्राइम पेयर नहीं है। आप लोगों को समझ में आ गया, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, और प्रैक्टिस करोगे कोई हार्ड नहीं होता है बच्चों। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।